आज पढ़ेंगे रीजनिंग, रीजनिंग का क्लास। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों के क्रमवार रखने में दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अब श्रृंखला दिया हुआ है अपने को, तो सब वैल्यू रख के देख लेते हैं। इसमें ए, एम, फिर क्या है ए, फिर क्या है एम, फिर एम, फिर एन। तो देखें एम ए एन, एम एम ए एन, नहीं ये तो नहीं होगा। फिर ए वाला रख के देख एम, फिर यहाँ पे ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे एम हो जाएगा, फिर यहाँ पे एम हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन हो जाएगा। तो एम ए एन ए एक ठो बन गया, फिर एम ए एन ए भी बन गया, फिर एम ए एन ए भी एक बन गया, एम ए एन फिर ए बन गया, एम ए एन। तो मतलब अपना आंसर बी हो जाएगा जी, अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। काहे कि एम ए एन हर बार वही कॉपी हो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नीचे प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें से एक पद लुप्त है, चार दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तब क्या दिया हुआ है, तो अपन पहले देखते हैं आई, आई एस जी। तो आई की वैल्यू 9 होती है, एस की वैल्यू 19 होती है, और जी की वैल्यू क्या होती है 7। और इसको क्या बनाया है, ई पी और ई। तो इसमें क्या है, ई की वैल्यू क्या होती है 5, पी की वैल्यू होती है 16, और इसकी वैल्यू होती है 5। तो इससे क्या हो गया, ये देखेंगे तो 4, इसमें देखेंगे तो 3, और इसमें देखेंगे तो 2। तो मतलब लास्ट वाले में 2, फिर 3, फिर 4। तो इससे पहले इससे जाएंगे, इससे इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ क्या कि यहाँ से अपन देखेंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे तो ए क्या हुआ, इससे कम हो गया, तो ए इससे बढ़ जाएगा, तो 7 से 2 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 19 से 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 9 से 2 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है, 21 की वैल्यू यू होती है, और 11 की वैल्यू क्या होती है जी, के होती है, नहीं इस हिसाब से देखा जाए तो देखो, जैसे कि यहाँ से अपन क्या किए, पहले में 2 बढ़े, फिर सेकंड में 3 बढ़े, फिर चौथे में 4 बढ़े। तो अपन इसमें जब बढ़ेंगे तो इसमें 7 से 2 बढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 19 में 3 बढ़ने के लिए अपन 3 बढ़े, 19 में 3 बढ़ेंगे तो कितना 22 हो जाएगा, और 22 में फिर 9 में कितना, इसमें 4 बढ़े फर्स्ट वाले में, तो फिर इसमें 4 बढ़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू एम होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है वी होती है, और 9 की वैल्यू क्या होती है आई होती है। तो एम वी आई एक दिया हुआ है ना अपने आंसर में, तो आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला देखते हैं, 10 से 22 गए, तो 10 से 22 गए तो मतलब अपन 12 बढ़ गए, फिर 22 से 46 गए, तो अपन 46 में 22 घटा के देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा जी, तो इसमें 4 हो गया, और इसमें क्या है 2 ही हो गया, तो 24 बढ़े फिर अगले में, फिर 94 में 46 घटाते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 14 में 6 गए तो 8 हो जाएगा, हाथ लाइए 1 तो 5, 5 में इसमें देखेंगे इसमें 5 हो गया तो इसमें क्या 4 बच गया, मतलब 48 बढ़ गए। तो अपन 96 बढ़ेंगे ना अगली बार, तो 94 और 96 कितना हो जाएगा, 6 4 10 की 0, 9 2 18 19 190, तो 190 कहीं पे दिया हुआ है क्या जी, आंसर अपना सी में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों के सार्थक क्रम को दर्शाएगा, पुस्तक, शब्द, अक्षर, वाक्य, अध्ययन और पृष्ठ। तो अपना क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अक्षर, अक्षर से क्या बनता है शब्द बनता है, शब्द अक्षर, अक्षर मतलब सी, अक्षर से शब्द बन गया, मतलब सी और बी, सी बी सब में दिया हुआ है, ठीक है। फिर इससे शब्द से क्या बनता है, वाक्य बनता है, वाक्य सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। वाक्य से क्या बनेगा, फिर वाक्य से क्या बनेगा जी, फिर पृष्ठ बनेगा, पृष्ठ बन गया, हाँ ठीक है। फिर ई दिया हुआ है, फिर इसको क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे, फिर ये क्या बनेगा,
पुस्तक बन जाएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा जी इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लस को घटाओ लिखते हैं, प्लस को माइनस लिखते हैं बोल रहा है, और माइनस को गुणा लिखते हैं, भाग को जोड़ लिखते हैं और गुणा को भाग लिखते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा। तो अपने को दिया है 15 माइनस 3 धन 10 गुणा 5 भागित 5, तो अब इसमें रख देते हैं 15 माइनस की जगह गुणा 3 हो जाएगा, प्लस प्लस की जगह माइनस 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और गुणा की जगह क्या हो जाएगा जी, भाग 5 हो जाएगा, और भाग की जगह प्लस 5 हो जाएगा। तो अब इसमें 10 में 5 को भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 माइनस, अब इसको गुणा करेंगे तो ये 45 बच जाएगा, और इसमें प्लस 5 हो जाएगा तो 45 में 5 जुड़ेगा तो 50, 50 में 2 माइनस होगा तो क्या बच जाएगा जी, 48, 48 अपना आंसर बी हो जाएगा। तब फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो हम देखते हैं जैसे कि 3 3 9, 5 5 6 20, तो 20 5 6 30, और 30 और 9 39, ये तो सही आ रहा है, तो 7 5 6 35, 35 हो जाएगा, और 4 4 16, तो 5 6 11, 8 1, तो 3 2 5 51, ये भी सही हो रहा है, 6 5 5 6 25, और 4 3 12, तो ये 37 37 दिया हुआ है क्या जी आंसर में, तो आंसर डी में दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी आदमी बुद्धिमान नहीं है, आदमी जो है ये बोल रहा है बुद्धिमान नहीं है, और सभी औरतें बुद्धिमान हैं, सभी जो औरतें हैं वो बुद्धिमान हैं, क्या बोल रहा है, सभी औरतें जो हैं बुद्धिमान हैं, तब कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत है क्या, नहीं है, ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी आदमी औरत नहीं है, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, कोई भी औरत आदमी नहीं है, कोई भी औरत आदमी नहीं है, मतलब ये भी आंसर सही हो जाएगा, मतलब दोनों आंसर सही है, तो दोनों निष्कर्षण को क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो एक और दो निष्कर्षण निकल रहे हैं, मतलब आंसर सी हो जाएगा अपना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिमनी, चिमनी से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या आकृति को चुनिए बोल रहा है, तो चिमनी, चिमनी से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, बंदूक, बंदूक से गोली निकलता है, धर, धर से छत होता है, चीनी मिट्टी मृतक हो जाता है, चाय से केटली हो जाता है, तो जैसे कि अपन जानते हैं ऐसे चिमनी है तो इसमें चिमनी से ऐसे धुआं निकल रहा है, तो अगर बंदूक हो जाएगा यहाँ से कोई बंदूक चलाएगा तो बंदूक से गोली तो निकलेगी ना जी, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा अपना आंसर। फिर अगला देखते हैं, सी डी, सी ए डी दिया हुआ है, अब इससे क्या बनाया है इसने, एफ डी जी, तो सी से एफ गया मतलब ए 3 और ए 6, तो इसमें 3 प्लस कर दिया, प्लस का 3 और 1 हो जाता है इसका, इसका 4 हो जाता है, इसमें भी प्लस 1 कर दिया, इसका वैल्यू 4 हो जाता है, इसका वैल्यू कितना होता है 7, तो इसमें भी प्लस 3 कर दिया, एक्स जेड डब्लू, तो एक्स की वैल्यू क्या होती है जी 24, और जेड की वैल्यू 26 और डब्लू की वैल्यू 23, तो इसमें 3 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, इसमें कितना 1 निकल गया, इसमें 3 निकल गया, इसमें 26 की 26 रहेगा, तो 1 की वैल्यू ये होती है, 3 की वैल्यू सी, और जेड की वैल्यू 26 की वैल्यू जेड, तो ऐसा कहीं आंसर दिया है क्या जी, ए सी जेड, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, ए सी जेड, तो ए सी जेड कहीं पे दिया हुआ है क्या जी हमारे पास, तो आंसर 9 पे मतलब ई पे दिया हुआ है आंसर, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसे चुने जो अन्य 3 3 विकल्पों से भिन्न है, टेलीफोन, टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर और टेलीस्कोप, टेलीफोन टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर और टेलीस्कोप,
टेलीस्कोप से देखते हैं, ट्रांजिस्टर सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर ये रिकॉर्डिंग होता है, टेलीफोन इससे भी सुनने वाला काम होता है, इसमें खाली देखने का काम होता है और बाकी तीन सुनने और उसके लिए काम होता है। तो इससे भिन्न कौन हो जाएगा? टेप टेलीस्कोप मतलब ये चीज़ देखने के लिए है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी।